गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हमारी मैथ्स की क्लास है और आज हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि पेज नंबर 82 पर है। यहाँ पर हमें फिगर्स के बारे में बताया है, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ दिया है नंबर 1 पर सर्कल द फिगर दैट आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन। यहाँ पर हमें जो कर्व लाइन में बने हैं फिगर उसके ऊपर सर्कल करना है। तो देखो कौन कौन सा होता है कर्व। अब कर्व कैसे होता है, कर्व होता है हल्का सा घुमा हुआ या राउंड शेप में, उसको हम कहते हैं कर्व लाइन। तो देखो कौन कौन से शेप कर्व हैं, तो एक ये कर्व है तो इसको हमने सर्कल किया है, और एक ये है तो हमने इसके ऊपर सर्कल किया है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 2 पर देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर दिया है राइट एस एल फॉर फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सी एल फॉर फिगर मेड अप ऑफ कर्व लाइन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमको जो फिगर स्ट्रेट लाइन से है उसके सामने एस एल लिखना है, और जो फिगर कर्व लाइन में है उसके सामने नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें हमें सी एल लिखना है। जैसे कि आपको ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पर ये कर्व शेप है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी एल। अब हमें देखना है कि कौन सा फिगर स्ट्रेट लाइन में है और कौन सा कर्व में है, तो हमें उसके आगे लिखना है। अब देखो ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें कर्व लाइन कोई सी भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइनों से बनी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एस एल। फिर देखो ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उसकी लीफ और जो पत्तियाँ है ये कैसी है, कर्व में है, तो कर्व के लिए हम क्या लिखेंगे, सी एल, कर्व लाइन, तो यहाँ पर हमने सी एल लिख दिया। अब ये देखो ये फ्रूट दिखाई दे रहा है आपको, पियर, ये भी कर्व लाइन से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सी एल लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप इनका देखो ये कैसे बने हुए हैं, उसके सामने एस एल या फिर सी एल लिखिए। अब आप आइए नंबर 3 पर, यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर दिया है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसमें आपको कर्व लाइन गिनना है और स्ट्रेट लाइन गिनना है कि कितनी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से ये फिगर बना हुआ है, और उसके नंबर आपको सामने लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो चलिए हम पहले यहाँ पर जो भी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं जो होती है उनको काउंट करते हैं, वो कितनी है। तो देखो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये हो गई 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर हो गई 8 स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो खड़ी रेखाएं होती है सीधी रेखाएं होती है वो कितनी है, 8। तो देखो यहाँ पर 8 लिख दिया है। उसके बाद हम कर्व लाइन को गिनते हैं जो कि हल्का घुमावदार होती है उनको। चलिए हम यहाँ से गिनते हैं कितनी कर्व लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर कर्व लाइन जो है वो कितनी है, वो है 11। तो ये देखो हमने यहाँ पर कर्व लाइन के यहाँ पर 11 लिख दिया है। अब यहाँ पर नंबर 4 में देखो क्या है, यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व द गिवन फिगर, ड्रा सम मोर फिगर दैट हैव बोथ कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पर आपको जो इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, कुछ शेप्स बने हुए हैं जिनमें कर्व लाइन भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो आपको ऐसे ही कुछ दूसरे फिगर बनाना है ये जो ब्लैंक वाला बॉक्स है इसमें, जिसमें कर्व लाइन भी हो और स्ट्रेट लाइन भी हो। तो देखो मैंने तो यहाँ पर ये आइसक्रीम और बेड बनाया है, इसमें ये देखो ये कर्व लाइन भी हो गई है और ये स्ट्रेट लाइन भी हो गई है। इस बेड में भी देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, ये कर्व लाइन हो गई है, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई से भी शेप्स इस बॉक्स में बना सकते हो। तो ये है आज का आपका मैथ्स का होमवर्क, आप इसे अच्छे से करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।